दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कैब में लिफ्ट देकर लूटपाट और मर्डर के केस में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 14 दिसंबर को हरिद्वार जाने के लिए निकले सुनील भट्ट नाम के युवक की लूटपाट के बाद बेरहमी से हत्या करके शव को महिपालपुर में फेंक दिया गया था। अब सुनील का परिवार आरोपियों को फांसी की मांग कर रहा है। पुलिस की गिरफ्त में बैठे इन चेहरों को गौर से देख लीजिए। ये गुनहगार हैं उस शख्स की मौत के जिसके जाने से एक 4 महीने की बच्ची के सिर से पिता का साया उठ गया। ये गुनहगार हैं उस शख्स की हत्या के जिसके जाने से एक घर का चिराग बुझ गया। 14 दिसंबर की रात गुरुग्राम से हरिद्वार जाते समय अपहरण और लूट के बाद सुनील भट्ट नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। दिल दहलाने वाली हत्या की इस घटना से जुड़े 4 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा घटना के दौरान इस्तेमाल की गई 2 कारें भी बरामद की हैं। साथ ही पुलिस ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ हत्या के आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई और कड़ी सजा दिलाने के लिए लोगों ने गुरुग्राम में कैंडल मार्च निकाला। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी लिफाफा गैंग से हैं। आइए आपको बताते हैं कि लिफाफा गैंग क्या है। लिफाफा गैंग दिल्ली NCR में सक्रिय है। गैंग के लोग गाड़ी में ड्राइवर के साथ सवारी बनकर सफर करते हैं और गाड़ी का इंतजार कर रहे यात्री की तलाश करते हैं। इसके बाद यात्री को पुलिस जांच का हवाला देकर कैश और कीमती सामान एक लिफाफे में रखने को कहते हैं। मौका पाकर यात्री को मारपीट कर छोड़ देते हैं। सुनील के साथ भी यही हुआ, लेकिन लूट का विरोध करने पर सुनील को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब पुलिस की जांच चलती रहेगी। उम्मीद है आरोपियों को सजा भी मिलेगी, लेकिन उस हंसते खेलते परिवार का क्या जिसने घर का सहारा खो दिया। ये है ABP News, आपको रखे आगे।